सलमान खान और कैटरीना कैफ के करियर की सबसे लंबी शूटिंग टाइगर 3 की अब शुरू हो चुकी है। दोनों फिल्म के आखिरी शेड्यूल 12 फरवरी से दिल्ली में शुरू करेंगे। खबरों की माने तो कहा जा रहा है कि ओमिक्रॉन के चलते दिल्ली शेड्यूल महीने भर के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। अब मुंबई के साथ दिल्ली में कोविड केसेस की गिरावट हुई है, ऐसे में बिग बजट फिल्म की शूटिंग एक बार फिर से शूट हो सकती है। टाइगर 3 की शूटिंग पिछले साल से लगातार हो रही है। सलमान और कैटरीना से तकरीबन 75 से 80 दिनों की तारीखें ली गई है। खबरों में बताया जा रहा है कि दिल्ली में टाइगर 3 की 7 दिनों तक शूटिंग होगी। वहां के इम्पीरियल होटल में भी फिल्म का अहम सीक्वेंस शूट किया जाएगा। ये फिल्म का क्लाइमेक्स सीक्वेंस माना जा रहा है। इसमें सलमान और कैटरीना के साथ फिल्म की पूरी कास्ट भी मौजूद होगी। दिल्ली में फिल्म का शेड्यूल होगा, कुछ पेज फर बेचेंगे तो उसके बाद महीनों के बाद मुंबई में वापस बुलाया जाएगा। टाइगर 3 के बाद इमीडिएट कौन सी फिल्म करेंगे अभी तक ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं की जा रही है, लेकिन माना जा रहा है कि सलमान अपने दोस्त साजिद नाडियावाला की बैनर तले भाईजान की शूटिंग शुरू कर सकते हैं। सलमान के करीबों ने बताया है कि सलमान खान शुक्रवार को बिग बॉस के सीजन की शूट को पूरा कर लेंगे और संडे को ग्रैंड फिनाले के बाद वो भाईजान की शूटिंग कर सकते हैं। भाईजान के बारे में कई सारी खबरें सोशल मीडिया पर सामने आ रही है, जिसके चलते एक बार फिर से सलमान खान अपने फैंस को देंगे भाईजान के जरिए गुड न्यूज़। जी हाँ, तो ये है कैटरीना कैफ और सलमान खान को लेकर नेक्स्ट नाइन लाइव की रिपोर्ट।